काश तू भी कभी दिखाई दे। जैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बेटा, हम तो पिछले एक घंटे से साथ खेल रहे हैं। शिफा भी किधर है? वो तो चली गई मुझे अकेला छोड़कर। अच्छा, मैंने तो उसे नहीं देखा जाते हुए, मुझसे मिले बगैर चली गई। वो बाबा, असल में घर से फोन आ गया था, इसलिए उसे जल्दी जाना पड़ा। मैं वापस कैसे जाऊंगा? तुम चले जाना, अब आए हो तो थोड़ी देर रुको मेरे पास। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो बेटा, मैं तुम्हें छोड़ाऊंगा, मगर एक शर्त पे कि सारा दिन तुम मेरे साथ गुजारो। मंजूर है। ईमान बेटा, जाओ आती से कहो कि एक और बैडमिंटन का चैंपियन आ गया। अरे मैं ले आता ना उनको। जैन। अरे जाने दो बेटा, उसे घर का बता दिया मैंने, उसे पता है आती का कमरा कहाँ, ढूंढ लेगा वो। सुना है मेरी प्यारी नंद को भूख नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें खुद खाने पर बुलाने के लिए आई हूं। यकीन करो, मैंने भी कुछ नहीं खाया। तुम परेशान हो, ये बात घर में सबको पता चल चुकी है। क्यों परेशान हो, किस लिए हो, ये तो सिर्फ मैं जानती हूं ना। तुम्हें पता अम्मी दादी से क्या कह रही थी? कि तुम्हें किसी की नजर लग गई है, दम वाला पानी करके उतार दें। लेकिन जिसे मेरी नजर लगी हो, उसे तो कोई पीर फकीर भी नहीं उतार सकता। मैंने तुमसे कहा था ना, मुझसे टक्कर मत लेना, क्योंकि जो मुझसे उलझता है वो सारी जिंदगी उलझा उलझा ही रहता है। प्लीज मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर, तर्स खाओ हम सब पर। तुम्हें मुझसे और आतिफ से प्रॉब्लम है ना, तो ईमान आप इससे किस बात का बदला ले रही हो? उन्हें उनकी खुशियां जीने दो। हर इंसान अपनी जिंदगी में हर मुश्किल वक्त ये सोचकर काट लेता है कि कभी ना कभी दुख के बादल छट जाएंगे और खुशियां उनकी मुंतजर रहेंगी। और तुम तो ईमान आपी की खुशियों के रास्ते पर खड़ी हो। प्लीज सहरिश, ईमान आपी की खुशियों के इंतजार को इतना तवील ना करो। तुम किसी के बारे में मत सोचो, किसी की परवाह मत करो, लेकिन ईमान आपी को बख्श दो। वो तो तुम्हारी बहन है ना, तुम्हारी अपनी सगी बहन। हाँ बहन है, सगी बहन है, इसलिए नफरत करती हूँ उनसे। सारी जिंदगी सबका प्यार सबका लाड सिर्फ उन्हीं के हिस्से में आया है, और मेरे हिस्से में कुछ नहीं, ना अम्मी का प्यार और ना इस घर की तवज्जो। और तुम्हें ईमान आपी के लिए दुख हो रहा है ना, होना भी चाहिए। उन्होंने सारी जिंदगी तुम लोगों का ही तो एहसास किया है, मुझे जलील किया, मुझे थप्पड़ मारा, हमेशा मुझ पे रोक टोक की। जब जब मुझे उनकी सपोर्ट की जरूरत थी ना, वो तुम्हारे साथ खड़ी थी, इसलिए नफरत करती हूं मैं उनसे। सब याद है मुझे, कुछ नहीं भूली हूं मैं, वो एक एक पल, वो एक एक लम्हा सब याद है मुझे। कोई नहीं है मेरा, और ये बात मैं जानती हूं, इसलिए मुझे किसी की परवाह नहीं। और जिस जिसने मुझे तकलीफ पहुंचाई है ना, मुझे दुख दिया है, मैं उन सबको नहीं छोड़ूंगी, सबसे बदला लूंगी, ये बात याद रखना। जैन तुम आओ। भाई आप रो रहे हैं, आपको पता है मेरे बाबा कहते हैं बहादुर लड़के रोते नहीं है। तुम्हारे अबू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो फिर आप रो क्यों रहे हैं? क्योंकि मैं बहादुर नहीं हूँ,
आप तो इतने बड़े हैं, फिर आपको किस चीज से डर लगता है? जैन तुम अभी छोटे हो, नहीं समझोगे। मैं छोटा जरूर हूँ लेकिन किसी से डरता नहीं हूँ। बचपन में सब ऐसे ही होते हैं, बेपरवाह और लापरवाह। जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, एहसास होने लगता है, महसूस होने लगता है। दिल किसी आजाद परिंदे की तरह अपने परों में ख्वाहिश लेकर उड़ने लगता है। ख्वाहिश उम्मीद भी छोड़ती है और दिल भी तोड़ती है। आपका दिल किसने तोड़ा भाई? मैंने किसी का दिल तोड़ा? बेजान कहती है किसी का दिल तोड़ना बहुत बुरी बात है, अल्लाह मियां फिर उसको कभी माफ नहीं करते। आप जल्दी से अल्लाह मियां से माफी मांगे। तुम बहुत क्यूट हो सहर, तुमसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आतिफ भाई आपको पता आप बहुत अच्छे हैं। जैन अंदर आओ। मैं भी आतिफ भाई से बात कर रहा हूँ। कोई बात नहीं हो रही किसी से, अंदर आओ। लंच रेडी हो गया? जी लंच तैयार। चलो बाबा को डाइनिंग टेबल पे बुलाओ। जी व्हाट अ सरप्राइज बडी, तुम कब आए? हाँ आप आ गए, मैं आपका वेट कर रहा था। अच्छा तो कौन छोड़ के गया तुम्हें यहाँ? शिफा आपी, वो तो मुझे छोड़ के चली गई। मैंने सोचा था मैं यहाँ के बहुत एंजॉय करूंगा लेकिन ईमान आप ही मुझे यहाँ बिठा के पता नहीं कहाँ चली गई। अब मैं बोर हो रहा हूँ। अरे यार तुम फिक्र क्यों करते हो, अब मैं आ गया हूँ ना। अच्छा तुम बाबा से मिले? उनके साथ मैंने बैडमिंटन भी खेली, अब वो थक गए, अब मेरे साथ कौन खेलेगा? अरे यार क्यों परेशान हो रहे हो, हम कुछ और करते हैं। चलें बाबा दवाई ले लें, बहुत लेट हो गया। अरे भाई मैं ठीक हूँ ना, बाद में ले लूँगा। क्या हो गया बाबा? आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि आप मेडिसिन टाइम पे लेंगे। अच्छा भाई चलो लाओ। जैन के यहाँ घर पे आने से कितनी रौनक हो गई है ना। मैं तो ये सोच रहा हूँ कल को जब इसकी अपनी औलाद होगी तब क्या होगा। आती ने तो फिर भी अपना बचपन एंजॉय किया है, मगर आहत का बचपन तो 15वें साल में ही जिम्मेदारियों के नजर हो गया। पढ़ाई फिर पढ़ाई के साथ साथ छोटे भाई और बाप की देखभाल, सब कुछ खुद ही हैंडल किया, तभी तो ये मेंटली इतना
बच्चों से कनेक्टेड है। अरे भाई इन्हें मना करो, मौसम वैसे ही ठंडा हो रहा है, तबीयत खराब हो जाएगी। जी बाबा। चलो जैन बाहर आ जाओ। आप भी थोड़ी देर हो। बिल्कुल भी नहीं जैन, तुम अभी बुखार से उठे हो, फिर से हो गया तो? आहत भाई आपको बोले ना थोड़ी देर और। जैन तुम्हारी आप ही ठीक कह रही, पहले भी तुम्हें बुखार था। जाओ जाकर चेंज करो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ ताई अम्मी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। वो सैन अभी तक घर नहीं पहुँचा ना, तो मैंने सोचा पूछ लूँ। तुम्हें तंग तो नहीं कर रहा बेटा? ताई अम्मी आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, वो मेरे पास ही है। अरे बेटा मुझे फिक्र नहीं हो रही है, तुम्हारे ताई को फिक्र हो रही है। जैन उन्हें पार्क में लेके जाता है ना, तो इसलिए सुबह से मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि जैन कब आएगा। ओ ओ ओ चलें ठीक है, मैं किसी से कहती हूँ कि उसे घर ड्रॉप कर दूँ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जैन जैन। जी आपी। चलो तुम्हें घर जाना है, ताया वो वेट कर रहे हैं तुम्हारा। वो मैं तो भूल ही गया, इस वक्त मैं और बाबा बाहर जाते हैं। तभी तो वो तुम्हें मिस कर रहे हैं। तुम्हारे शूज कहाँ हैं? वो तो आपके रूम में। चलो मैं लेके आती हूँ, यहीं खड़े रहो। जैन कहाँ है? घर जा रहे। इतनी जल्दी? ताई अम्मी का फोन आ गया। मैं छोड़ कर आता हूँ उसे। सही कह रही थी चंदा, तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। और तुम तो इतनी पढ़ाकू बच्ची हो, तो फिर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जा रही आजकल? हमारी पढ़ाई का आखिरी साल है ना। मैं ठीक हूँ बेजान। कहाँ ठीक हो, शक्ल दिखाओ मुझे अपनी। ये देखो कितना बुझा बुझा सा चेहरा हो रहा है तुम्हारा। क्या हुआ मेरे बच्चे? क्या हुआ यूनिवर्सिटी में किसी ने कुछ कहा है तुमसे? किसी ने डराया धमकाया है तुम्हें? और जैसे मैं डर जाऊंगी। देखो मेरी जान, तुम्हारी उम्र की बेटियों की जिंदगी के रास्ते बड़े दुश्वार गुजार होते हैं। कुछ पता नहीं चलता गलत समझ जा रहे हैं या सही समझ। इसलिए तो माँ बाप को इतनी फिक्र होती है अपनी बच्चियों की। अब जल्दी से अपनी पढ़ाई खत्म करो ताकि तुम्हारी शादी कर दी जाए। प्लीज बीजान, आप मेरी शादी की बात ना करें। क्यों भाई, क्यों ना करूं? तुम्हारी चची ने तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ भी लिया है, वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। प्लीज बीजान, आप चची से कह दें कि ऐसा कुछ ना सोचे, जो हो ही नहीं सकता उसके ख्वाब भी ना देखे। क्यों, इतनी मायूसी की क्यों बात कर रही हो तुम? देखना थोड़े दिन बाद तुम्हारी आप ही है ना ईमान,
मैं देवर का रिश्ता लेकर आएंगी तुम्हारे लिए। मेरी ऐसी कोई हसरत नहीं है, मैं तो बस चाहती हूँ कि रहमान आप ही अपनी जिंदगी में खुश रहें। तो क्या ईमान खुश नहीं है बेटा? भी जान आप नहीं जानते, वो तो अपने नसीब की खुशियों को भी एहसान समझकर जीती है। आप जानना चाहती थी ना कि मेरी जिंदगी किसने बर्बाद की? आप ही, अगर मैंने ये सच आपसे छुपाया ना, तो इस सच का बोझ हमेशा मेरी सीने पर रखा रहेगा। आप जानती हैं कि मैं आपको क्यों नहीं बताना चाहती थी? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी किस्मत की स्याही आपकी खुशियों को दागदार कर दे। लेकिन आप जिस घर में जा रही हैं, लोगों के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या कह रही हो तुम? किसकी बात कर रही हो? आती की। हाँ, आप ही। आती ही वो शख्स है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। आप जानती हैं, आती ने ये सब कुछ अपने भाई की शय पे किया है। ठीक है, अगर मैं एक सेकंड के लिए मान भी लूं कि आतिफ ने ऐसा किया है, तो तुम्हारी बहन का क्या जो मेरे बारे में कह रही है कि उसने मुझे फोन किया? मुझे किसी ने फोन नहीं किया। हाँ सर, इसने आपको अननोन नंबर से कॉल की थी अपनी पहचान छुपाने के लिए। झूठ, झूठ बोल रही हो। पता था मुझे, मैं अच्छी तरह जानती थी कि आप अपने मासूम भाई का गिरेबान पकड़ने की बजाय, उसे शर्मिंदा करने की बजाय मुझे और मेरी बहन को झूठा कहेंगे। इसीलिए मैंने आपसे कोई बात भी नहीं की थी। हर माँ बाप अपनी बेटी के लिए ख्वाब देखते हैं कि उसकी शादी इज्जतदार घर, लेकिन अगर उन्हें पता चल जाए ना कि इस घर में इज्जत के क्या मायने, तो उनके सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाए। इससे आगे एक लफ्ज नहीं। अगर मेरे भाई ने कुछ किया तो मैं अपने हाथ से मार दूंगा उसे, लेकिन अगर तुम गलत निकली तो कभी माफ नहीं करूंगा। तुम आहत से बात करो इस बारे में। अगर वो आतिफ का साथ देते हैं तो समझो तुम्हारी कही हुई हर एक बात सच है। और उसके बाद वक्त ने इस राज पे पर्दा डाल दिया है। ईमान, तुम भी चुप हो जाओ। देखो ईमान, सहरिश सब कुछ भूल के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, बहुत खुश है। जज्बात में लिया हुआ तुम्हारा एक कदम सबकी जिंदगियां बर्बाद कर देगा, सबकी जिंदगियों में बोझाल आ जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा ईमान, कुछ भी नहीं बचेगा। प्लीज नहीं पापा, बिजनेस वाकई माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, लाइफ बिल्कुल ठीक जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि मुझे बीवी माशाल्लाह से बहुत अच्छी मिल गई है। जिंदगी में और क्या चाहिए, मैं वाकई में बहुत खुश हूँ। लेकिन बेटा, तुम्हारी आंखों में वो खुशी नजर नहीं आ रही जो आनी चाहिए।
ऐसा कुछ नहीं है पप्पू, मैं सच कह रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। श्योर, पक्का? जी पप्पू। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। बस आपकी दुआ चाहिए। मैंने तुम्हारी शादी की तस्वीरें देखी, माशाल्लाह बेमिसाल कपल है। अल्लाह मियां तुम्हें नजरे बस से बचाए। आमीन। लेकिन मुझे तुमसे एक शिकायत है। वो क्या पप्पू? तुम लोग तो हनीमून बनाने मेरे पास आ रहे थे, फिर प्लान क्यों चेंज किया? बस पप्पू, अब इरादा तो था, लेकिन आप जानते हैं कि बाबा की कितनी तबीयत खराब हो गई थी। अब उनको इस हालत में अकेला तो छोड़कर आ नहीं सकते थे, लेकिन इंशाल्लाह आएंगे बहुत जल्द। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा। अल्लाह तुम्हारी जैसी फरमा बरदार औलाद सबको दे। और आप जैसे रिश्तेदार भी अल्लाह सबको दे। अच्छा भाई, बुलाओ मेरी बहू को। कहाँ है वो? मैं भी तो देखूँ कितनी प्यारी है। यहाँ पर, घर पर ही थी। मैं बुलाता हूँ। ईमान, ईमान, लगता है बहुत खूबसूरत लग रही है। जी, कुछ कहा आपको? आप सॉरी, मैंने सुना नहीं आपने क्या कहा। हाँ नहीं पप्पू, वाकई में मैंने नहीं सुना। अच्छा अच्छा, अब बुलाओ जल्दी से मेरी बहू को, मैं भी तो देखूं मेरे भेजे हुए कपड़ों में मेरी बहू कितनी प्यारी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आहत, तुम तो कह रहे थे दुल्हन खूबसूरत है। अरे ये तो चांद का टुकड़ा है, माशाल्लाह नजर ना लगे। तुम दोनों साथ कितने प्यारे लग रहे हो। अच्छा भाई ये बताओ, आहत तुम्हें तंग तो नहीं करता? पप्पू, मैं आपको इस तरह का लगता हूँ कि मैं इसे तंग करूँ? आई एम नॉट आस्किंग यू, आई एम आस्किंग माई डॉटर इन लॉ। तुम्हारी शक्ल तो देख ली, अब आवाज भी सुना दो। कोई शिकायत तो नहीं है इस नालायक से? नहीं पप्पू, बिल्कुल भी नहीं, पर के ये तो बहुत अच्छे हैं। अगर तंग करता है ना तो मुझे बताना, मैं इतने दूर बैठ के भी सी क्लास ले सकती हूँ। खुश रहो, अब तुम दोनों मुझे अच्छी सी न्यूज इसी साल दादी बनने की सुना दो। आ जाओ।
आई एम सो सॉरी मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। आप लोगों से कोई जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? तमाम सबूत तुम्हारे खिलाफ जा रहे हैं। अब क्या कोई नई कहानी सुनाने के लिए आया? नहीं भाई, मैं यहां कहानी नहीं सुनूंगा। बल्कि अपना जुर्म कबूल कर रहा है। हाँ, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूं। भाभी ने जो भी कहा वो सच था। मैं सरिश का नहीं बल्कि आप सब लोगों का मुजरिम। तुम्हें आज अपना भाई कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। जानते हो इतने दिनों से मैं क्या दुआ कर रहा था कि काश ये सब कुछ झूठ, सब एक गलत फहमी हो। और आज तुमने अपना जुर्म कबूल करके खुद को मुजरिम साबित कर दिया। हाँ, मैं मुजरिम। जो भी किया है मैंने, आप दोनों को जो भी सजा देनी है मैं चुपचाप कबूल कर लूंगा। तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम आज मेरे सामने खड़े हुए हो, हमेशा से सोचता रहा कि तुम सही हो, लेकिन आज अपना जुर्म कबूल करके तुमने मेरे जमीर को ललकारा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा। जान से मार दूंगा। आपके हाथ से मुझे अपनी मौत कबूल है भाई, मगर आपकी नफरत बगी दिखाए किसी मौत से कम नहीं। मारे मुझे, मारते मुझे। मौसम इतनी बरसात, तुम्हारी सजा यही है। कि तुम जिंदा रहोगे और मैं मरूंगा। आग छोड़े भाई, ये क्या कर रहे हो? छोड़े आग मेरी निकलो यहां से। मैं तुम्हारी एक सेकंड के लिए शक्ल भी नहीं देखना चाहता। निकलो, निकलो यहां से। हाँ,
आतिफ। जिस रिश्ते का तारुफ आप इतने फखर से करवा रहे हैं, अगर आप में थोड़ी सी भी गैरत होगी तो अब तक उस भाई का गला घोंट चुके होते। लेकिन नहीं, आपको तो अपनी भी गलती का एहसास हो। बहुत नाम है ना आपका, बहुत पैसा है, सोसाइटी में इज्जत है, मुकाम है, लेकिन एक लड़की की इज्जत का कोई मोल नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई हूं मैं, क्योंकि मेरा भरोसा टूटा है। बहुत भरोसा किया था मैंने आहद आप पे। मुझे लगा था कि आप आम आदमियों से अलग हैं। एक खूबसूरत जिंदगी आपके साथ ख्वाब की तरह गुजारने का इरादा किया था, लेकिन अब अफसोस के साथ मुझे आपका चेहरा भी नहीं बर्दाश्त हो रहा। आपका वजूद मेरे लिए नाकाबले बर्दाश्त है। मैं नहीं भूल सकती, मैं नहीं भूल सकती अपनी बहन के साथ की भी ज्यादती और नाइंसाफियों को। कौन सी ज्यादती, कौन सी नाइंसाफी, किसकी बात कर रही हो तुम? ज्यादा भोले मत बने हाथ। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आतिफ ने सरिश के साथ क्या किया। क्या किया उसने? मेरे भाई के बारे में कुछ भी कहने से पहले सोच लेना कि मैं उस पर बहुत ट्रस्ट करता हूं। वो मेरा ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ सकता। अच्छा, वाकई? लेकिन उस रोती हुई लड़की को जिसने आपको फोन किया था, आपने कुछ और ही कहा था। आपने उसे यही कहा था ना कि इस उम्र में लड़के ऐसा करते हैं? खुदा की कसम, मुझे किसी ने फोन नहीं किया। तुम क्यों बर्बाद कर रही हो अपनी जिंदगी? उससे भी तड़पा रही हो और खुद भी तड़प रही हो। तो क्या करूं, माफ कर दूं? एक औरत की इज्जत नफ्स का गला घोंट दूं? नहीं, तुम उसकी खुशियों का गला घोंटती हो। ईमान, ये जाने बगैर कि वो कसूरवार है या नहीं, तुम कैसे ऐसे कर सकती हो? लड़कियों को ससुराल में अपना मन मार के रहना पड़ता है। बेजुबान होकर सबकी बातों को बर्दाश्त करना होता है, और कई बार तो तशद्दुद का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन फिर भी वो औरतें अपने शौहर से इतनी लातालुक और बदगुमान नहीं होती। तुमने तो बिना कुछ जाने कि उनका कसूर है या नहीं उन्हें गुनाहगार ठहरा दिया और सजा दे रही हो। सारा सारा दिन वो ऑफिस में बिल्कुल उलझा सा रहता है, न खाने पीने का ध्यान, न किसी काम में दिल लगा रहा। कितनी मान से, कितने प्यार मोहब्बत से वो तुम्हें ब्याह के लेके गया था, क्या इसके लिए कि तुम उसका सुकून चैन सब बर्बाद कर दो? अभी तुम्हें उसकी कदर नहीं है, लेकिन अल्लाह ना करे कि तुम्हारी बेरुखी से आकर तंग उसने जान ले ली अपनी, तो इसका जिम्मेदार किसको ठहराओगी? ईमान, प्लीज प्लीज मेरी बातों को समझने में ज्यादा देर मत लगाना। ये मैं क्या कर बैठी? आतिफ की गलती में आहद को भी कसूरवार समझ बैठी। सरिश ने बताया भी था कि उसको गलत फहमी हो सकती है। मैंने फिर भी आहद के साथ अपना रवैया दुरुस्त नहीं किया। मुझे अभी अपने रवैये की माफी मांगनी चाहिए। मैं अम्मी को कॉल करती हूँ।
हेलो हेलो अम्मी, क्या हुआ बेटा, तुम रो रही हो? अम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ है मेरी बच्ची, आहत कहाँ है? आहत कहीं बाहर चले गए हैं, तूफानी बारिश में मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ईमान बेटा थोड़ा हौसला करो, मुझे ये बताओ कि आहत से क्या तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है? हाँ, नहीं, नहीं तो। हिमान बेटा, मर्द औरत का मजबूत सहारा होता है। शौहर की रजामंदी में ही अल्लाह ताला की रजामंदी होती है। तुम्हें पता है शौहर की नाराजगी का मतलब है कि अल्लाह ताला की रजामंदी से मुंह मोड़ लेना। चलो शाबाश, फौरन आहत को फोन करो और उसे माफी मांगो, फिर मुझे फोन करना, ठीक है? जी। शाबाश, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारे फोन का। अल्लाह हाफिज। काश तू भी कभी दिखाई दे।